एक सप्ताह पहले हुए राहुल मर्डर का हुआ खुलासा। पुलिस अधीक्षक ने किया मामले का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों की गई गिरफ्तारी। आरोपी सवारी बनकर कभी अपने कार में लिफ्ट देकर घटनाओं को देते थे अंजाम। ई रिक्शा को लूट कर बेचने के बाद रकम को आपस में लेते थे बांट। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्र और लूटे ई रिक्शा किए बरामद। हत्या में शामिल अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। राहुल का शव एक सप्ताह पहले कोतवाली देहात के शाहबाद हरदोई मार्ग पर डिवाइडर के पास मिला था। आरोपियों ने राहुल को लिफ्ट देकर नशीला पदार्थ पिलाकर लूट व हत्या की वारदात को अंजाम दिया। किस मामले में लोगों को अरेस्ट किया गया और क्या इनसे पूछताछ के दौरान निष्कर्ष निकाला है पुलिस ने? इसी महीने की 15 तारीख को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक शव मिला था, जिसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि वह लखनऊ में दुबग्गा से एक गाड़ी में बैठा था। उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई और जनपदीय पुलिस द्वारा खोजते खोजते गाड़ी मिल गई। उसके साथ उसमें जो एक व्यक्ति जो शहर के रहने वाला है राम निवास वो मिल गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो एक जहर खुरान गैंग का सदस्य है। इनके द्वारा ई रिक्शा में कभी सवारी बन करके उनसे टप्पेबाजी करते थे जहरीला पदार्थ खिला करके। इसी तरह से इस वैगन आर में भी सवारियां बैठा करके उनको बेहोश करके भी इनके द्वारा टप्पेबाजी की जाती थी और चोरी की जाती थी। ये व्यक्ति जो मृत पाया गया था, चूँकि इसको ज़्यादा पावर की दवा दी गई, इसको होश नहीं आने पर इनके द्वारा उसको डर के मारे ईंट से मार दिया गया था, जो कि थाना क्षेत्र में मिला था। इनके दो और गैंग मेंबर फिर पूछताछ के बाद अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति इनसे ई रिक्शा खरीदता था। इनके पास से कई ई रिक्शों के पार्ट्स, बैटरियाँ, हत्या में प्रयोग किया गया ईंट, ये सब बरामद हुए हैं। इस पर्टिकुलर मर्डर में एक इनका साथी और है जिसकी तलाश पुलिस को है। साथ ही साथ जो आदमी अन्य इनके जो ई रिक्शा चुराने के काम करते थे उनको भी पकड़ा जाएगा।